देखिए दोस्तों, जब भी आपको कभी पेन हो तथा वो सहन ना हो आपसे, तो सबसे पहले एक संकल्प लो कि कुछ भी हो जाए मैं पेन किलर की मेडिसिन नहीं खाऊंगा। ये संकल्प आपने लेना है। अब आप कहोगे कि पेन तो सहन नहीं हो रहा, तो मैं आपको यही कहूँगा कि पेन कोई भी है आपको, जो आपके लाइफस्टाइल की मिस्टेक से पैदा हुआ है, जो आपके रोड के पे एक्सीडेंट या इंजरी की वजह से नहीं हुआ। आप सुबह उठे हो, आपको पेन हो गया, आपको कहीं भी तकलीफ हो गई, तो वो आपकी लाइफस्टाइल की मिस्टेक्स है। वो ऐसे ही है कि जैसे जैसे आप नेचर से कट ऑफ हुए हो, उसकी वजह से वो पेन हुआ है। अब आपने दोबारा नेचर की तरफ जाना है। अब दोबारा नेचर की तरफ कैसे जाओगे? एक मिसाल मिसाल मैं ये देता हूँ कि मछली को अगर मैं पानी से अलग कर दूँ, क्या वह जीवित रह सकती है? बताइए, नहीं रह सकती। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। अगर आप नेचर से कट ऑफ हो गए हो तो आपकी ज़िंदगी पेनफुल हो जाएगी। तो नेचर के साथ कनेक्ट करना है, नेचर के साथ कनेक्ट। सुबह होता है, सुबह जल्दी उठिए, पानी पीजिए, योग कीजिए तथा डेली डेली एक्सरसाइज के लिए जाइए। बॉडी को अच्छी तरह से मूव होने दीजिए। अगर आपका बैक पेन है तो बैक बोन की एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपकी शोल्डर पेन है, शोल्डर पेन की एक्सरसाइज कीजिए। अगर नेक पेन है, अगर सर्वाइकल है, तो सर्वाइकल की एक्सरसाइज कीजिए। तथा ज़्यादा से ज़्यादा फल खाइए, जूस पीजिए, ओके? क्योंकि अगर आपके अंदर तीन चीज़ें आ जाएंगी हैं तो कभी भी पेन नहीं होगा। नंबर वन पे इम्यूनिटी स्ट्रोंग कीजिए। नंबर दो पे अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रोंग कीजिए। नंबर तीन पे स्ट्रेंथ मजबूत कीजिए। तथा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप पॉजिटिव थिंक कीजिए। आप पॉजिटिव एक्शन ले रहे हो, आप पैदल चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, नॉन वेज मीट मच्छी अंडा नहीं खा रहे, ऑयली फूड नहीं खा रहे, तथा कहिए कि मेरा ये पेन कम हो रहा है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, तथा दिन बर दिन मेरा यह पेन कम होता जा रहा है, मैं चल रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, आई एम फीलिंग वेल, आई एम हेल्थी, मैं हेल्थी हो रहा हूँ, मैं स्ट्रोंग हो रहा हूँ। और बार बार इसको 20, 30, 40 बार रिपीट कीजिए, ओके? तो उससे आपका पेन धीरे धीरे टोटली ख़त्म हो जाएगा। इन पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ करने से ही, क्योंकि कोई भी पेन किलर है पेन को दबा देगा। उसके बाद आपको वो पेन कई हज़ार गुना बढ़ के आपकी लाइफ को खा जाएगा। इसलिए कभी भी पेन किलर मत खाइए। और ज़िंदगी जीने के लिए है, किसी जू में जाइए, एंजॉय कीजिए, फन, बच्चों को लेके जाइए, ऐसा टाइम जिसमें से इस स्ट्रेस से बाहर निकलो। पेन के स्ट्रेस, पेन तो नहीं है, पेन का स्ट्रेस है आपको, ओके? और अपने में एक बात कीजिए, आपको अगर पेन है तो आपको पेन से ज़्यादा स्ट्रोंग बनना है। आपको अपनी टॉलरेंस पावर को स्ट्रोंग करना है। बॉडी में कोई भी पेन है इसलिए आता है ताकि वो आपकी परीक्षा ले सके कि आप सहन कर सकते, कर लोगे या टूट जाओगे। हमने टूटना नहीं है, हमने अपने आप को स्ट्रोंग करना है, अपने आप को मजबूत करना है, अभ्यास करते हुए, इम्प्रूव करते हुए, तो आपकी जीत होगी, आपके पेन की हार होगी, आपका पेन ख़त्म होगा ही नेचुरली। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच।